हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों को? आज हम एक नई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे जिसको बोलते हैं कार्ड्स। ठीक है, एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। HTML CSS से हम बनाएंगे एक कार्ड। कार्ड्स हमारे ज़्यादातर यूज़ होता है वेब पेजेस में, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हम कार्ड में यूज़ होती हैं वो आप कोई आइटम पेश कर सकते हैं इसमें। मतलब आपकी वेबसाइट या आपका जो प्रोडक्ट है वो इस कार्ड में आप डाल सकते हैं, मतलब शो करवा सकते हैं। ठीक है, और भी मतलब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ होता है कार्ड। बहुत सारी चीज़ों के लिए कार्ड्स यूज़ होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब डेवलपमेंट का। तो चलिए आज इसको हम ट्राई करते हैं सीखने की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CMD। ठीक है, CMD के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कोड, स्पेस देंगे, फिर डॉट, एंटर। VS कोड हमारे पास ओपन हो जाएगा। VS कोड हमारे पास ओपन होगा तो पहले हम ये जो है ना हमारा, इसको हम ओपन भी कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए कि पहले हमारा पिछला वाला जो कोड था वो इस तरह का था। ये जो इमेजेस है ना, ये 4 इमेजेस, इनमें से हम एक इमेज से आज कार्ड बनाएंगे। मैं फर्स्ट वाले को ही ले लेता हूँ, ये जो है इसको मैं लेता हूँ आज। इससे हम कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, ये हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाता है तो आसानी भी होगी थोड़ी, थोड़ा देखने में, है ना? या फिर वैसे ही ठीक है यार, बड़ा नजर आएगा तो आप लोगों को भी देखने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जूम भी हो गया। अब हम आते हैं अपने पहले वाले इमेज पे। ये हमारी पहली वाली इमेज है, ये वाली इमेज है हमारे पास। इससे हम कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। कार्ड हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कार्ड में एक हेडर होता है, हेडर में हमारे पास इमेज होती है, फिर उसमें बीच में कंटेंट होता है, कंटेंट में हमारे पास मतलब जैसे कि ये चीज़ होगी, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, कोई कुछ भी हो गया। फिर हमारे पास फुटर होता है, फुटर में अक्सर बटन्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम बनाने की को ट्राई करते हैं। आप मेरे साथ साथ फॉलो करते जाए जो जो मैं करता जाऊँ। ठीक है, सबसे पहले इस डिव के अंदर आना है हमने, जहाँ पे ये इमेजेस हैं। यहाँ पे आके हमने एक डिव लेनी है। ठीक है, ये हम सिंपल HTML CSS को यूज़ करके बनाएंगे इंशाल्लाह। एक डिव हमने ले ली, ये वाली इमेज जो है ना, ये इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसके अंदर ले आते हैं। ठीक है, अब ये जो डिव है इसकी स्टाइलिंग हम करेंगे बाद में, लेकिन इस डिव के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं हेडर। ओहो, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, हेडर। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे एक और डिव। ठीक है, उस डिव के अंदर हम ले लेते हैं H3। H3 के बाद हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ। फिर इस डिव के एंड पे हम ले लेते हैं फुटर। ये हमारे पास एक जो कार्ड होता है हमारे पास, उसका एक आप स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये इमेज हमारे पास जाएगी हेडर में। ठीक है, इसकी CSS हम करेंगे बाद में, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा। ये हेडिंग जो है इसमें हम फिलहाल लिख लेते हैं हेडिंग। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसमें हम लिख देते हैं लोरेम, जो मैंने आपको बताया था 25। इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं अगेन। फुटर में हमारे पास आ जाता है एक बटन, बटन और लिंक, चलिए बटन कर लेते हैं फिलहाल। बटन कर लिए हमने, और बटन में कर लेते हैं विजिट। वैसे तो लिंक होता है ज़्यादातर, लेकिन चलो बटन हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। वैसे अभी हमने इसकी कोई स्टाइलिंग वगैरह कुछ नहीं की, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया है कंप्लीट डिव।
ये इस तरह क्यों आ रहा है? क्योंकि पैराग्राफ की जो लेंथ है वो हमने अभी डिसाइड नहीं की, या फिर कुछ और। तो कार्ड हमारे पास इस तरह शो होता है, अभी हम इसकी सीएसएस करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिव के अंदर आते हैं, मैं सीएसएस करता हूँ, फिर बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, हर एक चीज़ में एक्सप्लेन करूंगा, और जिस जिस चीज़ की समझ ना आए मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है मेरे लेक्चर की कि नहीं आ रही, ताकि फिर मैं उस हिसाब से आपको समझाऊं। ठीक है, और ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए हैं, जिनको बिल्कुल भी मतलब ए बी सी भी नहीं पता। अगर ए बी सी पता है तो सी डी नहीं पता, सी डी पता है तो ई एफ नहीं पता। मतलब ये आप इससे सीख सकते हैं। आप अगर मतलब कुछ भी नहीं आता आपको, फिर भी आप अपने लिए कोई ब्लॉग्स बना सकते हैं, इसको यूज करते हुए आप वेब पेजेस बना सकते हैं। अभी हमारा ये वाला स्टार्ट हुआ है, इसके बाद हमने कार्ड्स वगैरह जब कंप्लीट हो जाए ना, एक मैंने करना है, बाकी आप खुद ही करते जाएं। फिर हमने इसमें थोड़ी सी ये जो है इसको ठीक करना है, ये भी ठीक नहीं है, और ये जो है यहाँ पे हमने एक लोगो लगाना है, ये जो है इसमें हमने और भी पेजेस, दो और पेजेस डालने हैं, अबाउट मी का, फिर कॉन्टेक्ट इन्फो का। ठीक है, इसमें भी इस तरह करना है, और ये जो सेंड जब करेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक शो होना चाहिए पॉपअप, जिसमें शो हो के योर ईमेल इज बीन सेंड और जो भी। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी बहुत सारा काम रहता है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अभी हमने कार्ड करना है, कार्ड हो जाए फिर उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें करनी। तो आप मेरे साथ फॉलो करते जाएं, मैं सीएसएस करने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने किया। ठीक है,
जी गाइस, तो ये हमने एक कार टाइप बना दिए, ठीक है। इसको देखिए, मैंने होवर इफेक्ट भी लगा दिया। मैं ये भी समझाता हूँ कि किस तरह बटन पे हमने इस तरह लगा दिया, जब बटन पे आता है तो कर्सर पॉइंटर, और होवर इफेक्ट भी लगा दिया, और एक हमने एक प्रॉपर कार्ड बना दिया है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम हेडिंग कुछ भी दे सकते हैं, पैराग्राफ कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे बटन के बजाय लिंक भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिव से। ये कंप्लीट डिव हमने बनाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने कंप्लीट डिव बनाई है, ठीक है। इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक डिव ली है, ये वाली, ये जो आपको आउटर लाइन नजर आ रही है ना ब्लैक, और ये जो अब रेड हो रही है, ये वाली ब्लैक, ये जो आउटर लाइन है ये वाली, ये वाली, ये अब रेड हो रही है होवर इफेक्ट से। ये हमारे पास एक डिव है, ठीक है। इसको मैंने दिया हुआ है क्लास कार्ड वन के नाम से, ठीक है। इसकी सीएसएस मैंने यहाँ पे क्यों की है, क्योंकि ये मैंने इंटरनल सीएसएस की है, ठीक है। वो जो पहले हम करते थे उसको इन लाइन सीएसएस बोलते थे, इसको इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटर्नल सीएसएस, वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में करके बताऊंगा, ठीक है। तो कार्ड वन के नाम से मैंने इसकी यहाँ पे सीएसएस कर दी है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अगर इस सब को हटाऊं, इसको सेव करूं, यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो देखिए क्या बन गया है इसका, ठीक है। ये पूरा का पूरी वेट उसने कंज्यूम कर लिया। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ। क्लासेस जब आप लेते हैं ना, यहाँ पे जब आप क्लास लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू कार्ड वन। आप कोई भी क्लास, सेम क्लास, आप किसी भी एलिमेंट्स को आप सेम क्लास दे सकते हैं, लेकिन जो आपके पास आईडी होती है, आईडी, ये वाली आईडी, ये आप यूनिक देंगे हर जगह। अगर आपने दो एलिमेंट्स को सेम आईडी दे दी तो वो क्लैश करेगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वो आपके कोड में मसला क्रिएट करेगा। तो आप क्लासेस जो है वो आप सेम भी दे सकते हैं। अगर ये वाला क्लास में इस इमेज पे अप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लास इज इक्वल टू कार्ड वन, तो ये सारी की सारी जो सीएसएस है कार्ड वन वाली, ये सारी की सारी ये उस पर भी अप्लाई हो जाएगी। अब हम जिस जिस पे ये वाली सीएसएस अप्लाई करेंगे ना, कार्ड वन वाली क्लास जिस जिस पे अप्लाई करेंगे, ये सारी सीएसएस उधर आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने अब ये दूसरी वाली इमेज के साथ इस तरह करना है, तो आपने क्या करना है, बस सिंपल सा इस तरह का डिव बनाना है और उसको दे देनी है कार्ड वन, यही क्लास। तो वो सारी की सारी यही वाली जो डिव है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यही वाली डिव इसी कार्ड पे भी अप्लाई हो जाएगी। अगर इसको देंगे डिव तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगी, अगर ये क्लास इसको देंगे तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्लासेस का फायदा ये है, आईडी यूनिक होनी चाहिए। आईडी, अगर आप आईडी जब हम सीएसएस अप्लाई करते हैं तो उसके सामने लिखते हैं हैश, और जो बड़ा क्लास होता है उसके सामने हम स्टार्ट में हम लिखते हैं डॉट। और होवर इफेक्ट क्या होता है, होवर इफेक्ट हमारे पास जब भी हम किसी चीज पे माउस होवर करते हैं, मतलब हम माउस रखते हैं उस पे, जैसे मैं अभी माउस इसके बाहर है, मैं जैसे ही इंटर करता हूँ, ये मैंने माउस होवर किया कार्ड के ऊपर, जैसे कि ये बटन है अभी इससे बाहर है तो ब्लैक है कलर टेक्स्ट का, और वैसे रेड है, डार्क रेड। जैसे ही मैं करता हूँ तो लाइट रेड हो गया और कलर वाइट हो गया। तो ये मैंने इस पे यहाँ पे होवर अप्लाई किया होगा, ये यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया। होवर से क्या होता है, होवर इफेक्ट होता है हमारे पास। होवर मतलब आप माउस होवर करते हैं किसी भी चीज के। अब इस पे मैंने होवर अप्लाई नहीं किया तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। मैं इस पे होवर करूंगा, मतलब होवर इफेक्ट इस तरह सीएसएस पे अप्लाई करूंगा, इसकी क्लास से आईडी लिखूंगा, फिर इस तरह मैं कॉलन दूंगा, फिर होवर लिखूंगा, फिर इस तरह मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो इस पे होवर पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो होवर का मतलब ये होता है, हैश मतलब हमारे पास आईडी है, डॉट मतलब हमारे पास क्लास है। तो अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि आगे मैंने क्या क्या किया, ठीक है। किधर गया, ये रहा। तो इसके बाद हमने लिया हुआ एक हेडर, हेडर हमारे पास ये हो गया। हेडर पे मैंने कोई सीएसएस अप्लाई नहीं की तो इसलिए हेडर आपको नजर भी नहीं आएगा, लेकिन हेडर में हमारे पास ये इमेज है, ये जो इमेज नजर आ रही है ना, ये आपको हमारे पास हेडर में है। लेकिन नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हेडर को मैंने ना बॉर्डर दिया हुआ है ना कोई स्टाइलिंग की हुई है, बस इसको हेडर में मैंने रखा हुआ है। आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, इसको और भी पैडिंग दे सकते हैं, इसको और भी मार्जिन दे सकते हैं, इसको कलर, अगर कलर तो खैर अच्छा नहीं लगेगा, बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद से मैंने ये डिव ली हुई है, इस डिव में हमारे पास आता है ये पैराग्राफ और ये हेडिंग।
हेडिंग में मैंने ये फॉन्ट साइज दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, जो मैं हर वीडियो में करता रहता हूँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक टेक्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इसको भी मैंने फॉन्ट वेट के बजाय फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली दी हुई है सेम, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये हमारे पास आ गया कॉन्टेंट में, मतलब कि जो मिड वाला डिव हमारे पास होता है कॉन्टेंट, ये उसमें आ गया। फिर एंड में हमने एक फुटर लिया हुआ है, फुटर में हम लिंक्स भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिंक्स में एंकर टैग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इसमें कोई भी लिंक दे दें, ठीक है, या कोई पेज का वो दे दें लिंक। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ विजिट, सेव करूँ, रीलोड करूँ, तो देखें ये लिंक्स भी हम ज़्यादातर यहाँ पे दे सकते हैं, बटन्स भी दे सकते हैं, लिंक्स भी दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों की मर्जी। मैंने वैसे ही बटन ले लिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए और ज़रा डार्क भी नज़र आए, ठीक है। और बटन की चीज़ से तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया पीछे, तो आईडी मैंने इसको दी हुई है आईडी। और आईडी आप इसलिए देते हैं क्योंकि आपको अगर होवर इफेक्ट्स लगाने हैं या फिर आप इसके साथ जावास्क्रिप्ट भी करनी है, तो फिर भी आईडी को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इस पे कोई और इवेंट्स लगाने हैं तब भी आईडी क्लासेस यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो आईडी मैंने फिर सिर्फ यहाँ पे होवर इफेक्ट इस पे लगाना था, तभी मैंने इसको आईडी दे दी। और आप लोगों को समझाने के लिए कि आईडी और क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है, तो ये इस सेशन में आपको पता भी चल गया कि आईडीज और क्लासेस क्या होती हैं। और बाकी कार्ड बनाना भी आप इंशाल्लाह सीख गए। अगर आपने ये वाला कर लिया तो आप इसी तरह सेम टू सेम बस बाकी इन चारों पे भी कर लें, तीनों पे, तो आपको कार्ड बनाना आ जाएंगे बिल्कुल HTML और CSS में, सिंपली सिंपल कार्ड, ठीक है। आप इसको और भी कलरफुल बना सकते हैं, मतलब हेडिंग्स को कोई कलर्स वगैरह दे दें। ये जो रेड मैंने अप्लाई किया है ये मैंने इस वाले थीम को देखते हुए किया है, आप इस वाले पे कोई येलो कर दें, इस वाले पे कोई इस तरह का ब्लू कर दें, इस वाले पे ग्रीन कर दें, मतलब आपकी मर्जी, आप जिस तरह करना चाहें। सारे ब्लैक कर दें लेकिन जब इस तरह होवर हो तो फिर कलर्स हों, ठीक है। तो चले गाइस, हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कुछ अलग पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे कि हम नेव बार में काम करें, यहाँ पे लोगो लगाए अपना, इसमें एक और पेज वगैरह ऐड करें जैसे कि अबाउट मी का, या फिर हम करेंगे कि इस पोर्शन को हम थोड़ा ठीक करें, इसको मार्जिन पेडिंग दें, इसको मार्जिन पेडिंग, इसमें यहाँ पे कुछ बटन्स ऐड करें, कुछ इसमें फॉर्म्स यहाँ पे ऐड करें, इसके बाद कार्ड्स के बाद हमारे पास कोई फॉर्म शो हो जिसको हम फिल करके सबमिट करें, या फिर हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है, जिसमें हम होवर इफेक्ट्स पे लगाएंगे बाद में। तो चले गए, इस सेशन को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे, आप सीख रहे हैं इससे, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को, मुझे नहीं सॉरी, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लाइक तो आप, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर लें, साथ साथ में अगर आप कोई और भी सीखना चाह रहे हैं तो उसको भी आप सिखा सकते हैं, मतलब वीडियो सेंड करके, ठीक है। चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।